हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पौलमी एंड वेलकम टू माय चैनल बाइफोकल ज़िंदगी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6 और इतने सुबह मैं अपना ब्लॉग आज स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सुबह उठ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड का आज ऑफिस है, तो अभी उसका लंच वंच सब प्रिपेयर करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। वो खा के निकल जाएगा, 7:30 बजे तक वो निकल जाएगा, तो इसलिए अभी मुझे जल्दी जल्दी में सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। तो वही सोचा कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, सुबह सुबह ही ब्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं कोशिश करूँगी आपके साथ पूरा दिन शेयर करने के लिए। किचन में ऑलरेडी खाना बनना शुरू हो गया है। एक साइड पे मैंने राइस चढ़ा दिया है और एक साइड पे फ़िश करी मैं बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को लंच पैक करके देना है। दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ, एक अंडा फोड़ रही हूँ क्योंकि मैं ब्रेड ऑमलेट बनाऊँगी, ये ब्रेकफास्ट के लिए बनाऊँगी। तो ब्रेड ऑमलेट उसको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो इसलिए ये जल्दी से बन भी जाता है। तो मैंने हल्दी और नमक डाल के अंडे को फेंट लिया और अभी मैं जल्दी जल्दी से ब्रेड को सेक लूँगी। तो इस टाइम पे बहुत फास्ट मुझे काम करना पड़ता है, दोनों साइड में मैं भाग भाग के काम करती हूँ ताकि लंच भी पैक करके दे दूँ, ब्रेकफास्ट भी दे दूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ऑमलेट बनाना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ मैं चाय बिठा दूँगी, तब ऑमलेट भी एक साइड में हो जाएगा, एक साइड में चाय भी बन जाएगा मेरा, तो मैं ब्रेकफास्ट जल्दी से दे दूँगी। मैंने रेड टी लिया है, उसके लिए मिल्क टी बनाया है क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट बाद में लूँगी, तो इस टाइम में मैं सिर्फ 1 कप चाय लूँगी, जस्ट नींद भाग जाए इसलिए। हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देना हो गया और अभी मैं उसका लंच बॉक्स पैक कर लूँगी। तो वो बहुत सिंपल सा लंच लेना पसंद करता है, चावल और एक सब्ज़ी बस उसका हो जाता है, ज़्यादा वो लेना नहीं चाहता है। तो वही मैं पहले चावल पैक कर दूँगी और उसके बाद साथ में दे दूँगी फ़िश करी, तो यही वो आज लेके जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हस्बैंड का लंच पैक कर लेती हूँ, वो निकल जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे बाकी का सारा जितना काम घर का रह जाता है वो करूँगी। इस टाइम पे तो बाकी कुछ भी करने का टाइम नहीं रहता है, मैं किचन में ही भागती रहती हूँ। तो उसका लंच पैक हो गया, अभी हस्बैंड चला गया है, जाने के बाद मैं आई हूँ बेडरूम को ठीक करने के लिए। वो कोशिश करती हूँ वो जाने से पहले कर दूँ, लेकिन किसी किसी दिन हो नहीं पाता है, बहुत जब बिज़ी रहती हूँ तो वो जाने के बाद में ये करती हूँ। तो अभी मैं पहले पूरा बेड को क्लीन करूँगी ठीक से अच्छे से। बेड क्लीन हो जाए तो एक अच्छा लगता है, घर भी फ्रेश फ्रेश लगता है। तो जल्दी जल्दी से मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। आपने देखा सुबह का सारा काम मेरा हो गया, मतलब सारा काम बोलने से क्या है कि लंच मैंने हस्बैंड का रेडी किया, ब्रेकफास्ट बनाया, उसको ब्रेकफास्ट दे दिया और मैं सिर्फ 1 कप रेड टी पी हूँ और उसके बाद वो अभी ऑफिस चला गया, तो अभी घर वर मैंने सेट कर लिया है। अभी थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, उसके बाद में
करीब 9:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट लूँगी, तो इसलिए इतने सुबह मैं नहीं लेती हूँ, थोड़ी लेट से लेती हूँ, इसलिए उसके बाद मैं अपना खुद का ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट लूँगी और बाकी का सारा काम मैं करूँगी। क्योंकि सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो इस टाइम पे थोड़ा अगर फ्री टाइम मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप बने रहिए मेरे साथ, आई विल कंटिन्यू माई ब्लॉग। हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर, तो अभी उठी हूँ, 10 बज रहे हैं अभी। तो अभी मैं अपने लिए खुद का ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, ये देखिए। अभी मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट लूँगी और उसके बाद एक मतलब कुकिंग करना है, लंच का प्रिपरेशन करना है। वैसे है फिश करी है ऑलरेडी बना हुआ, लेकिन फिर भी मैं जो लौकी है उसके साथ एक सब्ज़ी बनाऊँगी, तो वो बनाऊंगी, उसके बाद बाकी का काम एक एक करके करूंगी। तो अभी बैठ के थोड़ा चिल मारूंगी, ब्रेकफास्ट एंजॉय करूंगी, थोड़ा मी टाइम जिसको बोलते हैं ना, वही है अभी। तो इस टाइम पे थोड़ा धीरे से अभी काम करूंगी, क्योंकि उतना तो अभी कोई प्रेशर नहीं है ना कि जल्दी जल्दी करना है, एक ही सब्ज़ी बनाना है तो हो जाएगा। तो इसलिए अभी थोड़ा मैं मतलब टाइम लेके धीरे धीरे करूंगी। अभी किचन में फिर से आ गई हूँ मैं, लंच का प्रिपरेशन करना है, तो लौकी से एक सब्ज़ी बनाऊँगी, उसी का मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी आई हूँ मैं किचन में, लंच का प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। तो जैसे कि बताया था कि फिश करी है ऑलरेडी मेरा बना हुआ, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक ड्राई फिश जो आता है ना उसका एक रेसिपी मैं बना रही हूँ, जिसके लिए मैं अभी प्याज लहसुन ये सब काट के रेडी कर रही हूँ। आप बताना तो कि लहसुन छीलना आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे मेरा तो एकदम सरदर्द वाला काम लगता है ये लहसुन को छील के रखना, मतलब इतना बोरिंग, क्या बताओ। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट आता है बाजार में मिलता है, वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं उसको, मतलब खाने में वो टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए मैं अगर पेस्ट बना के भी रखना चाहूँ घर पे एक साथ, तो भी मुझे कितना सारा लहसुन एक साथ छीलना पड़ेगा ना, तो ये इतना बोरिंग वाला काम है ना, क्या बताऊँ। तो अभी यही मैं रेडी कर लेती हूँ, जो लौकी आता है लौकी के साथ मैं ये डिश बनाऊँगी अभी। तो लौकी वौकी काट के ऑलरेडी रख दिया है, अभी प्याज लहसुन ये सब काटूंगी और उसके बाद ये डिश मेरा बनाऊंगी मैं। तो जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ, बहुत सारा काम है अभी, तो बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। लंच का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि पता नहीं मुझे कितने लोग आप में से ड्राई फिश खाते हो नहीं खाते हो, तो बहुतों को अच्छा नहीं भी लग सकता है। तो इसलिए आज मैं लंच आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, लंच वंच बना लेती हूँ, सब कुछ ये सब काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद नहा के फ्रेश होके मैं आप लोगों से मिलूँगी, बातें भी करेंगे तब कुछ देर, ठीक है। नहा के खाना वाना सब खा लिया, दोपहर का जो लंच बनाना था वो बनाया, फिर बाकी का काम करके नहा के आ गई, और उसके बाद लेट हो गया था काफ़ी, तो इसलिए खाना भी खा लिया। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ। और बाहर जो मौसम हो रखा है ना, मैं क्या बताऊँ, झमाझम बारिश हो रहा है, मतलब बहुत ही सुहाना मौसम है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, झमाझम बारिश जिसको बोलते हैं। मेरे बैल्कनी में पीजीएन नेट लगा हुआ है, इसलिए उतना क्लियर तो नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जितना भी हो रहा है दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा आपने बाहर कैसा बारिश हो रहा है, ये तो मतलब ऐसा मौसम है कि खाना वाना खा के लेट जाओ, अच्छा सा एक मूवी चला दो और एंजॉय करो। मुझे तो ऐसे ही मतलब बहुत पसंद आता है, और इतना बारिश देख के ना खिचड़ी खाने का मन कर गया, लेकिन क्या करूँ, लंच तो बन चुका है, तो अगर रात तक बारिश कंटिन्यू रहेगा तो मैं पक्का खिचड़ी बनाऊँगी। मतलब बारिश हो और खिचड़ी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। और हस्बैंड ने फ़ोन करके बताया है वो लेट हो जाएगा आने में, तो वही मैं अभी क्या करूँ, खाना वाना खा लिया तो अभी थोड़ा कोई अच्छा सा एक मूवी चला के देखूँगी, और एडिटिंग वगैरह जो मेरा काम है वो भी करूँगी साइड बाय साइड। आज के वीडियो को मैं और कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और पास में जो बेल बटन है उसको प्लीज़ हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो शेयर भी एक कर देना यार, आपका सपोर्ट मुझे मतलब बहुत ज़रूरी है मेरे लिए आपका सपोर्ट। तो और कैसा लग रहा है बताना। तो मिलती हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।